अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू ज़ैनब किचन। आज हम बनाने वाले हैं आलू टिक्का कबाब। उसके लिए हमने आलू को बॉईल करके लिए है। ये छोटे छोटे हैं, 5-6 आलू। अब हम इसको एक किस्मों की फ्लेवर देंगे। उसके लिए हमने इस पर एक जाली रखे है, के ऊपर अभी आलू को थोड़ा भून कर लेंगे। दोनों तरफ से इसको भूनेंगे। आलू हमारे दोनों तरफ से बुनकर हो गए हैं। अभी हम गैस बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के बाद छील के उसको मैश करके लेंगे। आलू को मैश किए हमने इसे। अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। नमक पहले थोड़ा सा ही डालेंगे। चीज़ क्यूब लिए हमने 2। क्रश किया हुआ लहसुन 5-6 कली लिए है, 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्ची, इसको हमने बारीक क्रश करके लिए है। 1 छोटी सी प्याज, उसको भी क्रश करके लिए है, जो बारीक बारीक चॉप करके लिए है। हरा धनिया 1 टीस्पून, टिक्का मसाला, अमूल बटर लिए है 1 टीस्पून, भुने हुए चने का आटा 2 टीस्पून लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। आलू का मिश्रण हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम हाथ पर तेल लगा कर लेंगे। ऐसे छोटे छोटे बॉल बनाकर ऐसे टिक्की का आकार देंगे। ऐसे सारे हम अभी बना कर लेंगे। ऐसे टिक्की बनाने के बाद अंडे में डिप करेंगे। ये हमने अंडा लिए है, उसको अच्छे से फेंट के रखे है, उसमें डिप करेंगे। अब ब्रेड के चूरे में रोल करके लेंगे। ऐसे सब हम बना कर लेंगे। रोल करने के बाद इसे हम फ्राई करेंगे। तेल रखे गरम करने के लिए, ज़्यादा तेल में नहीं फ्राई करेंगे, शालू फ्राई करेंगे इसको। दोनों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई करके लेंगे। दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अभी हम इसे निकाल कर लेंगे। चिकन मटन नहीं खाने वाले इसे ज़रूर देखें और ऐसे ही बना कर खाइए रमज़ान में। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जल्दी से जल्दी करिए। इसे हरी चटनी के साथ, टमाटर सॉस के साथ, जैसा आपको पसंद है उसके साथ खा सकते हो। तो ये कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर भेजें। अल्लाह हाफिज़।